नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस भवन में आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है और 21 मई 1991 को एक आत्मघाती बम धमाके में भारत रत्न राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और उनके जन्म के 3 साल बाद देश आजाद हुआ था। बड़े होने के बाद राजीव गांधी ने न केवल जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरासत को संभाला बल्कि देश को तकनीक और वैश्विक बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए और साथ ही उनका बचपन, शिक्षा, राजनीतिक जीवन और लव लाइफ सभी बहुत दिलचस्प किस्से कहानियों से परिपूर्ण है। देखिए, आज राजीव जी की पुण्यतिथि है और महानगर कांग्रेस कमेटी और सब जितने हमारे वरिष्ठ कांग्रेसजन हैं, आंदोलनकारी भी और सभी साथियों ने आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज उन्हें हमने श्रद्धांजलि दी है क्योंकि राजीव गांधी जी ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने आईटी में क्रांति लाए, जो पंचायतों को जिन्होंने मजबूत करने का काम किया, युवाओं को ख्याल दिया, जो युवाओं को 18 साल की उम्र में मत का राइट दिया राजीव जी ने दिया। तो आज हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि हम उनके दिखाए गए कदमों को चलने का प्रयास करेंगे। लालकुआ नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को सेवा समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल भी बांटे। लालकुआ की तस्वीरें हैं जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज और साथ ही मरीजों को फल भी बांटे गए, पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही नमन किया गया और वहीं से उपलक्ष्य में मरीजों को फल बांटे गए। राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लालकुआ की तस्वीरें हैं जहां पर अस्पताल में मरीजों को फल बांटे गए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित, पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि और साथ ही अस्पताल में मरीजों को फल बांटे गए। आदमी क्रांति के जनक, कंप्यूटर क्रांति के जनक, उनका आज बलिदान दिवस है और उसके उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर अस्पताल में फल वितरण किया है। राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी सर्वसम्मान की पार्टी है। गांधी जी की, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा ये अक्सर उनको कांग्रेस के पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि आप लोग जो है इसमें गोष्ठी करें और फल वितरण आदि का कार्यक्रम रखें, तो हमने इसी सिलसिले में मलिन बस्तियों को हटाने को लेकर मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ सरकार इसे अतिक्रमण हटाने और शहर के भीतर सफाई व्यवस्था को कायम रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बना रही है और वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले में सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। भाजपा ने कहा था गरीबों को मालिकाना हक देने की बात करी थी लेकिन यहाँ फिर उन्होंने वादा खिलाफी करी है और भाजपा जो कहती है वो करती है। हम गरीबों के साथ थे, हैं और रहेंगे। कल हम लोग इसलिए नगर निगम गूंज कर रहे हैं और मालिकाना हक की बात कर रहे हैं और नगर निगम ने पहले भी यू टर्न लिया, जो नए वार्ड जुड़े थे उन पर टैक्स थोपने का काम किया, जो 2018 में नए वार्ड जुड़े थे क्या कहते हैं आउटर के उनमें टैक्स लगाया, उन्होंने कहा था 10 साल तक किसी तरह का टैक्स नहीं लेंगे लेकिन यू टर्न लेके टैक्स लगाने का काम किया, बोला था मालिकाना हक देंगे, मालिकाना हक नहीं दिया। जैसे चुनाव आते हैं चुनाव के दौरान वो अध्यादेश ले आते हैं,
बेसिकली भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, जो कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। किसी भी गरीब व्यक्ति की हम छत की तिरपाल तक उन्हें उखाड़ने नहीं देंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने पिछले दिनों देहरादून के कुछ मदरसों का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि बिहार और उत्तर प्रदेश से बच्चों को यहां लाकर मदरसों में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड में मदरसों की मैपिंग न करने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को समन जारी कर दिल्ली तलब किया गया और 6 जिलों के जिलाधिकारियों को 7 जून और अन्य 10 जून को आयोग में पेश करना होगा। बिना किसी वैध वजह से आयोग में पेश न होने पर संबंधित के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे को ये समय समय पर ज्ञान में आता रहता है कि कुछ मदरसे रजिस्टर्ड हैं और कुछ बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना उसके संचालित हैं, लेकिन विभाग से यही रिपोर्ट मिलती रहती थी कि नहीं, हमने सबका रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और इस मैपिंग के लिए कई बार लिखा भी गया और अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निरीक्षण करा अपनी विजिट के दौरान। 3 मदरसों में गए और तीनों अनरजिस्टर्ड थे और वो देहरादून शहर के बीच में था। तो फिर इस पर वो काफ़ी नाराजगी उन्होंने अपनी जाहिर करी, जो कि बहुत ऑब्वियस था, और उन्होंने कहा कि मुझे ये मैपिंग रिपोर्ट चाहिए। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पीएम सूर्य घर योजना से बिजली बिल होगा 0, यह है मोदी की गारंटी। हे मॉम, हे लुक, आई कैन डाउनलोड अ सॉन्ग रियली फास्ट। आई कैन मेक dosas faster. Must be joking. Bas, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Gana. Download hua? Nahi, par tab tak main idli banati hu. Humne banaya kit se. Didi, vote kise? Bharose ko. Matlab? Dekho yahan, padhai ka bharosa hai. Yahan sehat ka bharosa hai. जो काम में लाइनें लगती थी वो घर पर ही हो जाएंगे, वो भरोसा है। ये घर, ये मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पेंशन, हरियाणा वालों को अब कोई चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच नहीं झेलना पड़ेगा, ये भरोसा है। और भरोसे का दूसरा नाम क्या है? मोदी। चलो वोट डालें। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ के चलते 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है और हरिद्वार में डीएम और एसएसपी ने स्थानीय टूर एंड ट्रेवल कारोबारी के साथ मीटिंग कर 31 मई तक यात्रा के लिए नए यात्रियों को न बुलाने के निर्देश दिए। हरिद्वार में 15 मई से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाने के बाद हजारों लोग होटल धर्मशाला में रहकर रजिस्ट्रेशन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। डीएम का कहना है कि ऐसे 1750 श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा पर भेजा गया और अन्य लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि काउंटर से फिलहाल नए रजिस्ट्रेशन बंद रहेंगे। सरकार के इस फैसले से हरिद्वार के टूर एंड ट्रेवल कारोबारियों में नाराजगी है। जो है मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें ट्रेवल कारोबारियों को सबको बुलाया गया था और उनको जो आदेश ऊपर से हुआ होगा उन्होंने बुला के और क्लियर 2 शब्दों में कहा कि आपका सुझाव चाहिए। हमने अपना सुझाव रखा, फिर उसके बाद उन्होंने 2 शब्द में कह दिया कि 30 तारीख तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आप लोग अपनी कोई भी यात्रा की तरफ मत भेजें और जो रजिस्ट्रेशन वगैरह 30 तारीख तक बंद है। आप बैठ के आज राजनीति बनाएंगे ट्रैवल कारोबारी और जो ट्रांसपोर्टर हैं हमारे, कि हम आरटीओ के पास चाबी जमा करते हैं। चारों धामों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, जब तक भीड़ कम नहीं होती तब तक हम नए रजिस्ट्रेशन हम करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है
और जैसे सपोज किसी को 23 तारीख को जाना, 24 तारीख को जाना, ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन हो वो तो जा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि टूर एंड ट्रेवल्स वालों से कि नए लोगों को किसी को भी आप ऐसे ना बुलाएं, ताकि यहाँ पे भीड़ भी कम हो, चाहे ऋषिकेश में हो या हरिद्वार में हो। लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को अपने आवास पर बुलाकर शील्ड और किताबें देकर सम्मानित किया गया और इस दौरान विधायक आवास पर पहुंचे और बच्चे सम्मान पाकर बेहद खुश दिखाई दिए। वहीं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि यही बच्चे हमारा आने वाला भविष्य है और इसलिए सभी मेधावी छात्र छात्राओं को अपने आवास पर बुलाकर उन्हें सम्मानित करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। देखिए, आज हमने इस क्षेत्र के जो टॉपर बच्चे हैं उन सबको यहाँ पर बुला के उनका उत्साहवर्धन किया है और उनको बाकी बच्चों को भी प्रेरणा देने के लिए कि वो भी इसी तरह से लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़े और जितने भी इम्तहान हैं उनमें वो सर्वोत्तम अंक प्राप्त करें, इसकी प्रेरणा देने के लिए कार्यक्रम किया है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों का निश्चित रूप से इससे उत्साहवर्धन होगा और वो और कड़ी मेहनत करने के लिए और जीवन में और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। विकास के नाम पर जंगलों की कटाई कोई नई बात नहीं। देहरादून के खलंगा वन क्षेत्र में विकास की आरी चलने को तैयार है क्योंकि इस क्षेत्र में एक बड़ा जलाशय बनाने की बात कही जा रही है और इसी के लिए 2000 पेड़ों की बलि दी जाएगी। वहीं फिलहाल पेड़ों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं और जिसके बाद वन क्षेत्र को बचाने को लेकर तमाम सामाजिक और पर्यावरण प्रेमी युवा और जन संगठन पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि ने कहा कि खलंगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना सरकार की है, धीरे धीरे पेड़ों के कटान की संख्या 9 से 10 हजार तक पहुंच जाएगी। राजीव महर्षि ने कहा कि खलंगा देश और प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर है, खलंगा में पेड़ काटना दुर्भाग्यपूर्ण है, आने वाले समय में बीजेपी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती तो कांग्रेस इस मामले पर पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। देखिए, ऐसा है कि खलंगा में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसके लिए डैम बनाने की भी योजना है, उसमें रिजर्वायर बनाया जाना है और उसमें लगभग शुरुआती तौर पे तो 2000 पेड़ काटने का प्रस्ताव है, लेकिन धीरे धीरे जब वो संख्या पहुंचेगी वो लगभग 9 से 10 हजार पहुंच जाएगी। बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, खलंगा एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारे प्रदेश और हमारे देश की, क्योंकि वहां से, खलंगा से यदि आपको इतिहास मालूम हो तो वहां से जो गोरखाली समुदाय था। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में 55 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री वितरित की और भारत स्काउट गाइड एंड भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल पर रोटरी क्लब श्रीनगर ने सामग्री उपलब्ध कराई। जिलाधिकारी ने बच्चों को पाठ्य सामग्री और गिफ्ट देने के लिए आयोजकों का धन्यवाद किया। जरूरतमंद बच्चों में जीआईसी और डीएवी इंटर कॉलेज आदि के बच्चे शामिल हैं। पौड़ी के प्रथम नगरपालिका अध्यक्ष थे स्वर्गीय कैप्टन अवतार सिंह धनवा, उनके नाती थे स्वर्गीय भारत सिंह रावत जी। उन्होंने उनकी याद में, उनकी स्मृति में कार्यक्रम करने के लिए रोटरी क्लब श्रीनगर को एक हैंडसम अमाउंट दिया। उस हैंडसम अमाउंट के ब्याज से प्लस उसमें अपना टॉप अप डालने के बाद हम प्रत्येक वर्ष, उन्होंने हमसे वादा लिया था कि प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम रोटरी क्लब पौड़ी शहर में करेगा। उसी उपलक्ष्य में हम 10-12 साल से लगभग इस कार्यक्रम लगातार करते हैं।
ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो आज भारत की रावत हमारे बीच नहीं है, उनको भी एक वर्ष नहीं हुआ। लगभग 50 पात्र बच्चों को जो गिफ्ट दिया जा रहा है रोटरी क्लब की तरफ से और रेडक्रॉस की तरफ से, उस प्रोग्राम को यहाँ आयोजित किया गया। उसमें भारत से रावत साहब ने अपने नाना जी की स्मृति में, अवतार सिंह रमौला साहब की स्मृति में एक स्कॉलरशिप को स्टार्ट किया गया और उसी के में सिलेक्टेड बच्चों को जो गिफ्ट या एक मोटिवेशन दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम के लिए मैं रोटरी क्लब का और रेडक्रॉस का दोनों का धन्यवाद ज्ञापित कर। बीते 10 मई से उत्तराखंड में शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार की अधूरी तैयारियों का आरोप लगाकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने चारधाम यात्रा के शुरुआती चरण में उमड़ रही लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते चारों धामों और यात्रा मार्गों में चलते फैली अव्यवस्थाओं को कांग्रेस विधायक ने राज्य सरकार को फेलियर बताया और साथ ही कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश का कहना है कि राज्य सरकार यात्रा में अभी तक आए लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की सुविधा देने में असफल हुई है। मैं फिर से कह रहा हूं, सरकार को कतई पूर्व अनुमान चीजों का नहीं होता है। जब पूरी आपदा आ जाती है, जब परेशानी सर पे आ जाती है, पानी सर के ऊपर से चला जाता है, तब ये सरकार सोई हुई नींद से जागती है। सरकार मुझे लगता है केवल चुनाव लड़ाने तक ही सीमित सरकार थी। 19 तारीख के बाद से तो नहीं रहा है कि सरकार किसी व्यवस्था पे ध्यान दे रही है। चार धाम यात्रा में इस वर्ष जितने श्रद्धालु पिछले वर्ष आए थे उससे 2 गुना ऑलरेडी आ चुके हैं। रजिस्ट्रेशन रुक चुका है, ट्रैफिक जैम हमने गाड़ियों का तो सुना है लेकिन वहीं पे देखने को मिलता है कि पैदल चलने वालों का भी जाम लग चुका है। तो ऐसी अव्यवस्था और लोग घंटों तक चलिए फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तीन करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। हे मॉम, हे लुक, आई कैन डाउनलोड अ सॉन्ग रियली फास्ट। आई कैन मेक डोसास फास्टर। मस्ट बी जोकिंग। बस 3 इजी स्टेप्स, मिक्स विद वाटर, स्प्रेड बैटर, फ्राई। गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। ओ भाई, गाड़ी तो मत चल रही है अब, एकदम मोदी जी के काम के जैसी ना। एक्सीलेटर देते हैं तो द्वारका केएमपी एक्सप्रेस वे बन गए, और टॉप गियर लगाते हैं तो नई मेट्रो पहुंच गई। रेलवे लाइनों सड़कों का जाल बिछ गया हरियाणा में। भाई ऐसी स्पीड चाहिए तो मोदी फिर चाहिए। सिर्फ तारीफ नहीं, वोट भी करना। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुमाऊं के लाइफलाइन के रूप में पहचाने जाने वाली केमू बस सर्विस यानी कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन द्वारा यात्रियों के लिए टिकटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि यात्रियों के शिकायत के बाद कुमाऊं को निर्देशित किया गया और साथ ही अपने बसों में ई टिकटिंग की व्यवस्था लागू करें और साथ ही जिसके लिए उन्हें 3 महीने का समय भी दिया गया है। साथ ही कहा गया कि बेहतर परिवहन व्यवस्था और यात्रियों के सुरक्षा और हितों की दृष्टि के चलते यह निर्णय लिया गया है। बैठक हुई थी हमारी, उसमें निर्देश जारी किए गए थे आरटीए द्वारा कि बैठक के 3 महीने उपरांत जितनी भी स्टेज कैरेज की बसेज हैं उनको ई टिकट के माध्यम से जो है टिकटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार शिकायतें आती हैं जो टिकट्स हैं बस में वो मैनुअल टिकट जारी नहीं किए जाते हैं। तो इसमें केमू द्वारा पहल करते हुए एक मशीन अब उनके द्वारा परचेज की गई है और एक बस में उनके द्वारा ई टिकटिंग के माध्यम से टिकट चालू की गई है और उनके द्वारा थोड़ा सा टाइम मांगा जा रहा है, क्योंकि जनरली जो ड्राइवर्स हैं
और कंडक्टर्स हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि इसको कैसे यूज करें, और उस मशीन की कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा है, तो उनके द्वारा टाइम के लिए कहा गया हमें थोड़ा और टाइम दे दिया जाए। तो हम आरटीए में अभी इनका प्रस्ताव और रिक्वेस्ट के लिए रखेंगे कि इनको और समय दे दिया जाए। उधम सिंह नगर के खटीमा में बीजेपी झनकट मंडल की अध्यक्ष विमला बिष्ट के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खटीमा उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। खटीमा नगर पालिका सीमा विस्तार मामले में नगर पालिका के अंदर आने वाले सभी पूर्व ग्राम सभा और आंशिक ग्राम सभा के साथ ही वार्डों का मूल स्वरूप बनाए रखने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीमा विस्तार और परिसीमन में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका पारंपरिक मूल स्वरूप यथावत बना रहे, और वही उन्होंने वार्डों के नाम निर्धारित के समय संबंधित वार्ड के अंदर आने जाने वाले शहीद परिवार, सार्वजनिक स्थलों या प्रचलित स्थानों पर वार्डों के नाम रखने की राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है, काफ़ी उसमें गड्ढे हो गए हैं, और क्योंकि मानसून काल नज़दीक ही है तो इसमें एक्सीडेंट होने की भी संभावना है। लिहाजा वहाँ के यहाँ के खटीमा के निवासी मेरे पास आए थे और उनकी मांग थी कि इस सड़क को जल्द से जल्द बारिश होने से पहले ठीक कर लिया जाए ताकि दुर्घटना से इसका बचाव किया जा सके। अभी मेरे जैसे जानकारी मेरे को प्राप्त हुई है कि पहले ये रोड पीडब्ल्यू के पास थी, लेकिन उनके द्वारा इसको एनएच को संदिग्ध कर दी गई है, तो संबंधित विभाग से मैं अपेक्षा करूंगा और चाहूंगा कि ये जल्दी से इस सड़क का निर्माण करें। मुख्य चौराहे से लेकर मजूरा तक की उत्तराखंड की जो सड़क है, इस सड़क पिछले कई महीनों से लगातार गड्ढों से युक्त हो चुकी है, लगातार इसमें लोग परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से इसको ठीक कराने के लिए एक निवेदन पत्र दिया माननीय मुख्यमंत्री के नाम, और हमने पीडब्ल्यू में जब इसके लिए संपर्क किया तो उनका कहना है कि ये सड़क जो है एनएचआई को ट्रांसफर हो चुकी है और इसमें अब जो भी काम होगा इस भविष्य में तो वो एनएचआई द्वारा किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।